नमस्ते, मैं अभिषेक। मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव, अब नव निर्वाचित सांसद बन चुके हैं। तो राजीव जी, पहले आपको तो बहुत बधाई। धन्यवाद, और आप सबको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद के साथ कि आप निष्पक्ष रहकर पूरे चुनाव के दौरान पत्रकारिता करते रहे। 1,63,000 से बड़ी जीत हुई, जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहें जी? ये ऐतिहासिक जीत है, घोसे के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मतों से जीता उससे भी बड़ी जीत है। ये सारी बड़ी जीतें मुझे बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं, बड़ी उम्मीदों का एहसास कराते हैं। और जब बड़ी उम्मीदें रहती है तो मैं पूरा प्रयास ईमानदारी के साथ करूँगा कि उन उम्मीदों पर खरा उतरूँ। क्या लगता है कि घोसी ने बड़े लंबे समय के अंतराल के बाद एक बड़े नेता को सांसद चुना है, क्या वजह रही? मैं बड़ा नेता हूं या नहीं हूं तो भविष्य और जनता तय करेगी। मैं अपने को सांसद चुनने के बाद भी जो लगातार मैं कहता रहा हूं, जब मैं कहता हूं तो भाई और बेटा की तरह, तो मतलब इसका कोई राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। जब आप भाई और बेटा की तरह कहेंगे तो आपको भाई और बेटे की तरह एहसास, भावनात्मक संबंध बनाने में भी कामयाबी होती है। इंसान वहाँ ज़्यादा मेहनत करता है जहाँ उसका भावनात्मक संबंध हो। राजनीतिक संबंध दिमाग से सोचता है, भावनात्मक संबंध दिल से सोचता है। और मैं दिल से घोसी की सेवा करूँगा, दिल से घोसी के लिए खड़ा रहता आया हूँ और आखिरी सांस तक खड़ा रहूँगा। इसके पहले राजीव राय मऊ के लिए एक सामान्य व्यक्ति थे, एक नेता थे, अब जनता ने सांसद चुन दिया है, कितना अंतर समझ में आ रहा है 1 से 2 दिन में? बस मऊ के लिए वही सामान्य बेटा भाई रहूँगा। हाँ, पद मिलता है तो जिम्मेदारी मिलती है, जिम्मेदारी विनम्रता के साथ उठाना मैं जानता हूं, और बड़ी विनम्रता के साथ उन जिम्मेदारियों को उठाकर जिन लोगों ने भी उम्मीद भरी आंखों से मुझे देख के साइकिल पर बटन दबाया है, जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा और विश्वास जताया है, उनके विश्वास और भरोसे को कहीं से भी ठेस न पहुंचे, इसकी पूरी ईमानदारी से मेहनत करता रहूँगा। पहली प्राथमिकता क्या होगी राजीव राय सांसद के तौर पर, पहला काम क्या करने जा रहे हैं? बहुत बातें हुई, बड़े दावे हुए, लेकिन पहला काम क्या होगा जनता के लिए? एक बात बता दूँ, मैं जैसा दिल से हूँ वैसे दिमाग से हूँ वैसे जुबान से हूँ। मैं सोचता कुछ और करता कुछ और वाला नहीं हूँ। आप लोगों के सामने जनसभाओं में जिन बातों को मैंने उठाया था, जिन बातों पर जनता से आशीर्वाद मांगा था, वही मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी। नौजवान हमारी प्राथमिकता रहेंगे, बुनकर हमारी प्राथमिकता रहेंगे, और घोसी का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। पूरे यूपी कहेंगे तो पूर्वांचल में एक आंधी चली, उसमें भाजपा की कहीं ना कहीं पूरी हवा निकलती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि समाजवादियों ने ऐसा क्या किया कि ऐतिहासिक जीत हुई सपा के लिए? देखिए, मैं अपने हर भाषण में लोगों से अपील करता था कि जिस सरकार ने हमारे बेटे और भाइयों को बेरोजगार कर दिया, उस सरकार को बेरोजगार कर दो। और मुझे लगता है कि जो पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, झूठ, जुमला, कहीं सुनवाई न होना, लोगों में हताशा, निराशा, एक डिप्रेशन का दौर चल रहा था, लोगों ने लोकतंत्र में आस्था रखते हुए सही समय पर अपनी अभिव्यक्ति करी, अपने आक्रोश को व्यक्त किया है। अब विपक्ष की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, मैं संपूर्ण विपक्ष के नेताओं से कहूँगा, अगर आप इंडिया गठबंधन बनती की सरकार बनती है जिसकी संभावनाएँ प्रबल है तब और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी, नहीं बनती तब भी आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटिए, हम सारे लोग मिलकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें। क्या लगता है कि घोसी में राजीव राय की इतनी बड़ी जीत की वजह क्या है? क्या कैसा आप लोगों ने राजनीतिक प्रभाव बनाया, समीकरण बनाया है, कितनी बड़ी जीत हो गई? देखिए, घोसी के जीत ने उन सभी लोगों को एक संदेश दिया है जो सिर्फ चुनावों के दौरान जातीय समीकरण जोड़कर चले आते हैं। मैं कहा करता था, आप लोगों से भी कहा करता था कि अगर ये धारणा, ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाए तो कोई भी जन नेता, कोई भी उम्मीदवार जनता के लिए काम ही नहीं करेगा। जब उस मेरे दिल में अगर लग जाए, यार मैं 10 साल से मेहनत किया, लोगों के दुख सुख में खड़ा रहा, भाई और बेटे बनकर उनकी सेवा करता रहा, लेकिन फलाने जात आ गया तो उनको वोट मिल गया, तो कोई क्यों करेगा? इस सोच वाले लोगों की, इस अवधारणा को लोगों को घोसी की जनता ने ध्वस्त कर दिया। घोसी की जनता ने साबित कर दिया, और एक बहुत बड़ा संदेश प्रदेश और देश के नेताओं को दिया है, जो जनता के बीच रहकर जनता के दुख सुख में साथ खड़ा होगा, जनता के लिए चिंता करेगा, जनता को चोट लगेगा तो उसका दर्द को महसूस करेगा, उसी को जनता आशीर्वाद देगी, और वहाँ जाकर जाति का समीकरण, धर्म का समीकरण और पार्टी का समीकरण तीनों टूट जाते हैं। घोसी उपचुनाव, यह लोकसभा में घोसी का चुनाव, यहाँ पर दो दो, मैं यूँ कहें तो जनपद में 3 मंत्री रहे, दो दो डिप्टी सीएम ने डेरा डाला, प्रधानमंत्री और सीएम को भी आना पड़ा,
उसके बावजूद भी भाजपा का समीकरण नहीं चला, क्या घोषी संकेत दे रही है बार बार? घोषी की वही जो मैं बात बोला वही संकेत है कि बहुत हुआ जुमला, बहुत हुआ झूठ, बहुत हुए कच्चे वादे। अब हम किसी पर भरोसा किए बगैर उस व्यक्ति पर भरोसा करेंगे जो हमारे बीच में रहा है और बिना किसी पद पर रहते हुए भी हमारे सुख दुख में शामिल हुआ है? ये बहुत बड़ा संदेश घोषी के लिए नहीं, मुझे लगता है कि सावित्री पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी सोचना चाहिए कि जो जहां मेहनत किया हो उसको वहां मौका मिलना चाहिए। हम आते हैं आपके सामने, ओम प्रकाश राजभर थे, बड़ी बड़ी दावे कर रहे थे, उनके बेटा चुनावी मैदान में थे, क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जो सीधे गृहमंत्री से कनेक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री से, उतने बड़े नेता के सामने आप कितनी बड़ी जीत? देखिए, अपने को बड़ा नेता बोल देने वाला कभी बड़ा नेता नहीं होता है, जनता के दिल में छवि होनी चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि जो कार्यकर्ताओं को छोटा समझो बड़ा नेता नहीं हो सकता, जो जनता खुद को जनता का मालिक समझे वो भी बड़ा नेता नहीं हो सकता, ये सही है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है कि यहाँ चुनाव हराने के लिए, मुझे हराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, दर्जनों मंत्री जी के साथ साथ गवर्नर साहब तक को लाना पड़ा। अच्छा होता गवर्नर साहब खुद ही विनम्रता के साथ, मैं जानता हूँ कि पार्टी ने उनको कहा होगा, लेकिन जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं उसकी मर्यादा का ख्याल रखते हुए अच्छा होता गवर्नर साहब नहीं आए होते। बड़े भाई हैं, उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी उनको। बावजूद इसके अगर घोषी ने ऐतिहासिक जीत दिया है, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई थी, तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि किसी के दिमाग पर लगातार चोट करके अपना गुलाम नहीं बना सकते। एक मंत्री जी हैं जो जिले के डेरा डाले हुए थे, AK शर्मा, यहाँ तक कि बूथ पर भी दिन भर बने रहे, क्या लगता है कि आपके खिलाफ इतनी बड़ी योजना बनाए फिर भी सफल हुए? बड़े भाई हैं, अभी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इसका जवाब वो दे सकते हैं। जिस व्यक्ति ने भी जो भी कुछ करना चाहा उसका जवाब घोषी की जनता ने दे दिया। जब घोषी की जनता ने दे दिया, चुनाव खत्म हो गया, परिणाम सामने आ गया, तो मैं आरोप प्रत्यारोप में जाए बगैर यही अपेक्षा करूँगा कि सारे लोग मिलकर घोषी की जनता के बारे में सोचे और कुछ राजनीतिक मर्यादाएँ हैं उसको कायम रहना चाहिए, उसको कायम रहना चाहिए लोकतंत्र के लिए, लोगों के भरोसा के लिए, और लोग आपकी इज्जत करें इसलिए भी। और लास्ट में आते हैं, चारों तरफ चर्चा चल रही है कि पूर्वांचल में सत्ता के बगावत के तेवर होते हैं, तो क्या लगता है कि पूर्वांचल ने वो अपनी सिद्ध कर दिया बगावत? पूर्वांचल में के लोग आज़ादी की लड़ाई से ही क्रांतिकारी रहे हैं। पूर्वांचल के लोग अन्याय को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करते, झूठ को सहते नहीं हैं। पूर्वांचल के लोग अगर इस तरह का बगावत करके जवाब दिए हैं तो जो डबल इंजन की सरकार होने का दावा करते थे उनको सोचना चाहिए कि आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की जो हार सिकुड़ कर 1.5 लाख की हो गई है वो पूर्वांचल के लोगों ने प्रधानमंत्री को भी जवाब दिया है? लगता है कि नहीं लगता है? प्रधानमंत्री जी की पिछली जीत कितनी थी, अभी जीत कितनी, चारों तरफ हार चुके हैं और कई तो सीटें लास्ट में, जैसे बांसगांव का कुछ 100-150 वोट से हराया गया, कई DM बैठ कर चुनाव हराए हैं, हमारे डॉक्टर नवल किशोर को भी इसी तरह फर्रुखाबाद से हराया गया जो अभी कोर्ट में जाएगा। तो अभी भी अगर सत्ता का अहंकार कम नहीं हुआ है तो उनके बुरे दिन शुरू होंगे, अच्छे दिन तो जनता के कभी आए नहीं, अच्छे दिन के का वादा करके जो सत्ता में आए उनके बुरे दिन अब शुरू हो जाए। लास्ट सवाल, जो देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र के डिप्टी CM, उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया है, क्या लग रहा है कि इस समय जो NDA गठबंधन है या BJP है उसमें ठीक नहीं चल रहा सब कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी के नंबर वो नहीं है जो पूर्ण बहुमत का हो, तो कायदे से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस भाजपा के सरकार को इस्तीफा पेश कर देना चाहिए, जनता ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। अब कुछ जगह जुगाड़ से यहाँ से वहाँ से, और जो उनके गठबंधन में साथी हैं मैं उनसे भी अपेक्षा करूँगा कि जनता की भावनाओं की कदर करें। अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के लायक नहीं समझा है, 272 के आंकड़े से नीचे कर दिया है, तो वो भी उनके साथ रहकर अपने कद को छोटा ना करें। तो मेरे साथ थे घोसी के नवनिर्वाचित सांसद राजीव राय। राजीव राय के ऊपर घोसी की जनता ने बड़ी बहुमत दे करके बड़ा बोझ भी ला दिया है, अब देखना होगा कि राजीव राय जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह मऊ।